हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि आखिर आप चाहते क्या हैं। आपके सामने यहाँ पे तीन फूल दिख रहे होंगे आपको। इसमें से आपको जो भी फूल पसंद आता है या फिर पसंद आ रहा है उसे चुन लीजिए। फिर हम जानेंगे कि आखिर आप चाहते क्या हैं। हर फूल अपने बारे में बहुत कुछ बताता है, साथ में जो इन्हें चुनता है उसके बारे में भी हमें बताता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस ब्लू कलर के गुलाब के साथ। तो जिन लोगों ने भी ये ब्लू कलर का गुलाब चुना है, आप एक ऐसे इंसान हैं जो लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। आपको पैसे की चाहत बहुत रहती है, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा धन हो, आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। और ये सब चीज़ पाने के लिए आप हमेशा या तो पूजा पाठ में लगे रहते हैं या फिर कर्म करते रहते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में पैसे की बहुत मायने हैं। आपको लगता है पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, तो आप एक ऐसे इंसान भी हैं। साथ में आप उस हिसाब से मेहनत भी करते हैं। जब आप मेहनत करते हैं तो उसका जो फल होता है वो भी आपको मिलता है। आप धर्म में बहुत विश्वास करते हैं, पूजा पाठ में भी आपका बहुत ध्यान रखता है, आपको बहुत विश्वास है अपने जिसकी भी आप प्रार्थना करते हैं। और प्यार के मामले में थोड़ा सा आप जैसा बिहेव करते हैं उस हिसाब से, मतलब आपकी पूरी वो नहीं रहती है, आप पूरा नहीं ध्यान दे पाते हैं अपने जिनको भी आप प्यार करते हैं, जो भी आपके आसपास लोग हैं, इसलिए आपको भी प्यार भी अधूरा सा मिलता है। आपके अंदर थोड़ा सा छल कपट होता है प्यार को लेके, क्योंकि आपका सारा ध्यान होता है अपने आप को बहुत ऊंचाई पे ले जाने में, इसलिए थोड़ा सा आप धोखेबाज किस्म के भी हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं जिन लोगों ने भी ये रेड कलर का रोज़ चूज़ किया है, आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी से। आपको प्यार चाहिए उस पर्सन से जो शायद आपको प्यार करता नहीं है, या फिर जितना आप करते हैं उतना नहीं करता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत प्यार देते हैं दूसरे को, आप चाहते हैं कि आपको भी बहुत प्यार मिले, लेकिन वैसा आपको मिलता नहीं है, ना ही आपको वैसा मिलेगा। तो आप बहुत सारा उम्मीद रखते हैं अपने पार्टनर से, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि जैसा आप उनसे मोहब्बत करते हैं वैसे ही वो करें, लेकिन वो वैसा नहीं करते हैं, इसलिए आप थोड़े से दुखी हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो, जिससे आप प्यार करते हैं उसी से आपकी शादी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको आपके पार्टनर का पूरा साथ चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि आप जितना प्यार किसी को देते हैं उतना प्यार आपको नहीं मिलता है, इसलिए थोड़ा सा आप अनलकी हो जाते हैं, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर लेते हैं सामने वाले से, लेकिन सामने वाला आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरता, तो इस वजह से आप थोड़े से दुखी होते हैं। साथ में आप एक ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं जहाँ पे पूरी फैमिली हो, साथ में सब मिलजुल के रहें, लेकिन ये भी संभव नहीं है आज की ज़िंदगी में। तो थोड़ा बहुत आप दुखी रहते हैं, बहुत सारी आपकी उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं। आइए जानते हैं जिन लोगों ने भी ये ब्लैक कलर का रोज़ चूज़ किया है। सबसे पहले तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो प्यार मोहब्बत को थोड़ा विश्वास नहीं करते हैं। आप ज़िंदगी में सफलता पाना चाहते हैं, वो भी मेहनत के हिसाब से। आप मेहनत करते हैं उसके बाद आप सफल होते हैं। ज़्यादातर जिन लोगों ने भी ये चुना है, मुझे लगता है कि वो सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते हैं। सरकारी नौकरी वो पाना चाहते हैं और उसके लिए वो मेहनत करते रहते हैं, और सरकारी नौकरी वो पाते भी हैं। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। मेहनत का फल आपको थोड़ा सा देर से मिल सकता है, लेकिन आपको उसका फल मिलता ज़रूर है। आप बहुत ही ऊंचाई तक जाएंगे ज़िंदगी में, नौकरी आपको बहुत ही ऊंचे पद की मिलेगी। और एक ऐसे पर्सन आप हैं जिसे लाइफ में समय समय पे फैसले लेने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। ज़िंदगी से आप चाहते क्या हैं? ज़िंदगी से आप एक हाई क्लास की नौकरी जहाँ पे इज्जत हो, लोग आपका मान सम्मान करें, और ये सब पाने के लिए आप दिन रात मेहनत भी करते हैं, और आगे चल के आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी भी। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसे झूठा दिखावा, लालच, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, ना ही ऐसे दोस्त हैं आपके। आपके दोस्त थोड़े से कम होंगे, लेकिन जो भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे, आपका हमेशा साथ देंगे। तो काफ़ी ऐसे पर्सन हैं, आप सीरियस रहते हैं, सीरियस रहना भी अच्छा लगता है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट।